अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजु झुनझुनवाला गुरुवार को भिनाई दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विभिन्न गांवों का दौरा कर पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की है। और इस दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए झुनझुनवाला ने कहा कि उनकी सरकार आने पर युवाओं के लिए नौकरी का स्थायी समाधान करेंगे और साथ ही चंबल नदी को सीधे अजमेर से जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे अजमेर में पानी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। और इस मौके पर विधायक राकेश पारेख और कांग्रेस नेता वाजिद खान चीता सहित पार्टी नेता मौजूद रहे। तो आप लोगों ने हमारा हाथ जोड़ निवेदन है, आदरणीय संग्राम साहब, किसी तरह आगे बढ़े। जो सचिन पायलट जी ने यहाँ पे काम करे 2009 से 2014, उसको किसी तरह आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेके पब्लिक में उतर रहे हैं। और अब देख रहे हैं कितना उत्साह है पब्लिक में कि कांग्रेस एक बार यहाँ से फिर